और टाटा जी क्या हाल है? बस ठीक है, बढ़िया। चलिए, सब ठीक ठाक चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। और आज गुरुपूर्णिमा थी तो हमने सोचा कि चले बुद्ध विहार की ओर। तो आज हम शाक्य मुनि बुद्ध विहार पे आए हुए हैं सर जी। और आपके बारे में सुना था तो मैंने कहा कुछ ज्ञान की चीजें हो जाएं। ये आज का जो दिन है गुरुपूर्णिमा का दिन जी, तो विशेष क्या है जो कि हम आज का दिन मनाते हैं? ऐसा क्या विशेष है, कुछ हमें जानकारी दें इसके बारे में। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है टाटा जी। मतलब आज का ये पर्व गुरुपूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, उसके पीछे मूल वजह तो ये है, भगवान बुद्ध गया में बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद ये विचार किया कि ये जो ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान है, दुर्लभ बुद्धत्व है, ये प्राप्त किया है। उन्होंने बहुत मेहनत की, अपना पूरा शरीर सुखा लिया था, यूं कह सकते हैं उनका शरीर सूख गया था, और कठिन परिश्रम के बाद ये बुद्धत्व प्राप्त किया। तो सबसे पहले तो उनको ये लगा कि ये ज्ञान इतना दुर्लभ है जो हर कोई इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उनके चित्त की अवस्था को देखकर एक ब्रह्म, हो सकता है ये बातें लोगों को शायद ना समझ में आए, एक ब्रह्म वहां एकदम प्रकट होते हैं और भगवान से कहा कि भगवान क्या विचार ले रहे हैं, इससे तो लोक का नाश हो जाएगा। आपने जो बुद्धत्व प्राप्त किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो इस संसार की प्राकृतिक सच्चाई को जाना है, जो सनातन नियम को समझा है, यदि आप अपने तक ही सीमित रखोगे, किसी को नहीं बताओगे, तो लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। जबकि आपके बुद्ध होने से पहले बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे ऋषि मुनियों को, प्रज्ञावान लोगों को यह पता भी है कि आप बुद्ध होने वाले हैं, और आपके चित्त में यह विचार आया कि कौन इसको प्राप्त कर पाएगा, कौन इसको समझ पाएगा, तो इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो भगवान ऐसा नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ वाकई इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो प्रयासरत हैं, बिल्कुल किनारे हैं, उनको थोड़ा सा आप बताएंगे तो वो समझ पाएंगे और इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। तो उस ब्रह्म की प्रार्थना पर भगवान ने अपने चित्त की धारा को लोक कल्याण के लिए मोड़ दिया, और आपने भगवान बुद्ध को करुणा के सागर कहा है, सुना होगा, तो उनके चित्त में करुणा जागृत हुई इस संसार के प्रति, लोक के प्रति, और उन्होंने ये धर्म देने का चित्त बनाया। फिर बात यह आई कि ये सबसे पहले किसको दिया जाए, कौन इसका पात्र है जो इसको समझेगा, इसका लाभ ले पाएगा। तो सबसे पहले आलार कालाम जो उनके गुरु थे, उनके पास गए थे बुद्धत्व से पहले, और उनसे उनकी जितनी जो भी संपूर्ण विद्या थी, जितनी उन्होंने सीखी थी, वो प्राप्त करने के बाद जब उन्हें छोड़ के आए, हालांकि गुरु आलार कालाम इससे व्यथित हुए, उनको कष्ट हुआ, क्योंकि सभी शिष्यों में सिद्धार्थ ऐसे शिष्य थे जिन्होंने बहुत तेज गति से उनकी बताई हुई विद्या को सीख पाया था। अब जब कंप्लीट सीख गए तो इन्होंने वहां से जाने का निर्णय लिया, तो उनको कष्ट हुआ। लेकिन ये आलार कालाम भी जानते थे कि ये सिद्धार्थ भविष्य के बुद्ध हैं और यही सम्यक संबुद्ध बनेंगे,
तो उनके मन में इच्छा भी ये हुई कि जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे तो सही मायने में भले ही गुरु रहे हैं लेकिन वो ज्ञान अभी आलार कालाम जी के पास नहीं था, तो उनके चित्त को भांप कर उस वक्त सिद्धार्थ ने उनको ये वचन दिया था कि हम जब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपको देने आएंगे। लेकिन जब तक उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ तब तक आलार कालाम की मृत्यु हो चुकी थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने चित्त से अपनी प्रज्ञा से देखा उद्धक रामपुत जो उनके अगले गुरु थे उनको भी उन्होंने ये ज्ञान देने का वचन दिया, माने जब उनको छोड़ के आए थे तो ज्ञान देने का वचन दिया था, उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर उन्होंने सोचा अब किनको ज्ञान दिया जाए, कौन पात्र है इसका। तो कुछ समय पहले ही उनके साथ रहे पांच शिष्य, ये पांचों ब्राह्मण थे जिनमें असज, महानाम, बप, भद्दे और कौंडिन्य। ये उनकी कठिन तपश्चर्या को छोड़ देने की वजह से उनको छोड़ के चले गए थे। तो भगवान बुद्ध का चित्त उधर गया और उन्होंने अपनी प्रज्ञा से देखा तो पता चला कि वो मृगदाव वन में रुके हुए हैं जो आज का सारनाथ है, और भगवान उधर चल पड़े। वहां जब गए तो जो साथी थे उन्होंने कौंडिन्य को बताया कि सिद्धार्थ आ रहे हैं। अभी उन साथियों को पता नहीं था कि सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके हैं। तो कौंडिन्य को जब पता चला तो पहले से ही उनको बुरा तो लगा ही था क्योंकि सिद्धार्थ ने तपश्चर्या को छोड़ दिया। तो जब वो आते दिखे तो उनको वहां भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा आ रहे ठीक है आने दीजिए। और वो वाला भाव, मित्र वाला भाव जो होना चाहिए वो उनके अंदर था नहीं। लेकिन जैसे ही जैसे बुद्ध उनके पास पहुंचते गए, जैसे जैसे पास पहुंचते गए वैसे वैसे उनके शरीर की आभा, उनके चेहरे का तेज उनको प्रभावित करता गया। और बिल्कुल पास पहुंच गए तो वो समझ गए कि अब वो सिद्धार्थ नहीं है जिनको हम छोड़ के आए थे। ये तो अब कुछ और ही हैं। और पास जाते जाते वो सभी नतमस्तक हुए और अंत में उन्होंने पूछा कि ये कैसे हो गया, आप ऐसे कैसे हो सिद्धार्थ। तब उन्होंने कहा कि अब मैं सिद्धार्थ नहीं हूं, मुझे लोग बुद्ध बोलते हैं, मैं तथागत हूं। इस संसार की सच्चाई को मैंने जान लिया है, कह सकते हैं कि हम जिसकी खोज में निकले थे वो खोज हमारी पूरी हो गई है। चूंकि वो बहुत बड़ा उद्देश्य था इसलिए कौंडिन्य को विश्वास नहीं हुआ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कौंडिन्य अब तो आप प्रज्ञावान हैं और अपनी प्रज्ञा के बल पर आप चेक करो देखो। तो कौंडिन्य ने अपनी प्रज्ञा के बल पर देखा, ध्यान लगाया तो पता चला कि वाकई अब ये बुद्ध हो चुके हैं, सम्यक संबुद्ध हो चुके हैं। तो वो सभी उनके पूर्व साथी कौंडिन्य सहित उनके शरणागत हुए, उनका अभिनंदन किया, वंदन किया और उनसे आग्रह किया कि भगवान आप हमें इस ज्ञान के बारे में जो आपने प्राप्त किया है बताएं। तो भगवान ने जो प्राप्त किया था जिसमें
इस संसार में सभी प्राणी दुखी हैं, दुख में संसार है, तो इसके दुख से ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और वो कौंडिन्य को बताया, जिसमें चार आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग, ये ज्ञान बताया। और उस वक्त यहां पर जो सूत कहा गया, उस सूत को धम्म चक्र प्रवर्तन सूत कहा गया। ये जो चक्र आप देखते हैं, धम्म चक्र है, जो तिरंगे झंडे पर विराजमान है, अशोक की लाट पर जहां सिंहों के पैर हैं उसके नीचे बेस में विराजमान है, ये वही धम्म चक्र है जो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत का प्रतीक है। इसमें 12 कड़ियां हैं, ये जोड़े से है इसलिए 24 तीलियां हैं इसमें। उसमें भगवान ने दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है जीवन में और कैसे इसका निवारण होता है, तो दुख निवारण तक की पूरी श्रृंखला को बताया है। ये बात जब सभी साथियों को बुद्ध बता रहे थे, दुख निवारण का मार्ग जब बता रहे थे, तो वो सुनते सुनते कौंडिन्य ऐसे पहले व्यक्ति हुए जो सुनते सुनते ही अर्हत हो गए, निर्वाण की अवस्था को प्राप्त किए, माने उस अवस्था को प्राप्त किए जिस अवस्था पे बुद्ध पहुंचे। और जैसे ही कौंडिन्य को वो अनुभव हुआ जो बुद्ध को हुआ था, तो चित्त से दोनों ने कनेक्ट करके समझ लिया और भगवान बुद्ध ने उनको बता दिया, इशारा किया, यही है। कौंडिन्य पूरी तरह समझ गए तो वो पहले उनके शिष्य हुए जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया उनके मार्गदर्शन में। इस संसार में बुद्ध गुरु हुआ करते हैं, इस बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए वो बगैर गुरु के ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनसे पहले जो गुरु है आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र, ये उनके गुरु ही हैं, लेकिन बुद्धत्व के गुरु नहीं है। बुद्धत्व प्राप्त उन्होंने स्वयं किया है, उनका कोई गुरु नहीं होता है, तो इसलिए संसार में उनको सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। उनके मार्गदर्शन में जो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उनको अर्हत कहा जाता है। गुरु शिष्य का अंतर होता है, तो इस तरीके से बुद्ध को सम्यक संबुद्ध कहा गया और कौंडिन्य को अर्हत कहा गया। फिर धीरे धीरे ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है, ये प्रतिपादित होते ही धीरे धीरे भिक्षुओं की संख्या बढ़ी, संघ में संघ स्थापित हुआ और धीरे धीरे भिक्षुओं की संख्या बढ़ी, अर्हतों की संख्या बढ़ती चली गई। और जब अर्हतों की संख्या बढ़ती चली गई तो लोगों को अनुभव होता चला गया। अब इसमें किसी भी प्रकार की मान्यता की बात नहीं है, अनुभव का खेल बढ़ा और अनुभव ऐसा बढ़ता चला गया, लोग बढ़ते चले गए, ऐसा कारवां बढ़ता चला गया कि पूरा भारतवर्ष बुद्धमय हो गया, बुद्ध की शिक्षा से लाभ लेने लगा। गिन के नहीं बताया जा सकता है, अनगिनत अर्हत हुए। तो आज का जो दिन है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जिस दिन प्रतिपादित किया गया, चूंकि आज उन 5 भिक्षुओं को शिक्षा दी थी, तो भगवान बुद्ध ने गुरु का काम किया और उन शिष्यों और वो शिष्य बन गए, तो गुरु शिष्य परंपरा इस दिन से चल पड़ी और इस दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि यह दिन आज के दिन आषाढ़ी पूर्णिमा को हुआ,
माने आज पूर्णिमा है, तो आज गुरु ने अपना काम किया, शिष्य को मार्गदर्शन दिया, इसलिए ये गुरु पूर्णिमा हो गई। इसके साथ दो घटनाएं और जुड़ी हुई हैं। माता महामाया ने जब गर्भ धारण किया था, जिस गर्भ में सिद्धार्थ आए, बाद में बुद्ध बने, तो वो दिन भी यही था, वो भी आषाढ़ी पूर्णिमा थी। एक और घटना इसमें आती है, सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया तो गृह त्याग भी इसी पूर्णिमा को किया था, आषाढ़ी पूर्णिमा को। तो विशेष तौर से तीन घटनाएं हैं जो गुरु पूर्णिमा को घटित हुई। हालांकि गुरु पूर्णिमा का महत्व, इसको गुरु पूर्णिमा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आज उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र देते हुए उन पांचों ब्राह्मण भिक्षुओं को ज्ञान दिया था, तब से ये गुरु पूर्णिमा कही जाने लगी। उसके बाद बहुत सारे गुरु इस दुनिया में हुए जिन्होंने अपने अपने तरीके से ज्ञान दिया, किसी ने इसी दिन दिया, किसी ने किसी और दिन दिया, लेकिन कुल मिलाके कभी भी दिया हो वो गुरु तो है ना, तो इसलिए वो भी आज के दिन सभी शामिल हो जाते हैं। और इस गुरु पूर्णिमा को कह सकते हैं कि सभी आप देखते होंगे कि गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हैं, कोई किसी गुरु को मानते हुए, कोई किसी गुरु को मानते हुए, लेकिन परंपरा जो है बुद्ध की बदौलत शुरू हुई। तो समझ में आया टाटा जी? जी सर, थैंक यू वेरी मच।